हेलो एंड वेलकम टू एवरीडे विद सैयद्स। आज हम बनाने वाले हैं लहसुनी मटन मरी मसाला। इसको काली मिर्ची गोश्त भी कहा जाता है। इस डिश की फ्लेवर प्रोफाइल रोज़ के बनने वाले गोश्त के डिशेज से थोड़ी सी डिफरेंट है। ये एक ड्राई डिश होने के बाद भी काफ़ी सक्यूलेंट, काफ़ी जूसी बनती है। इंग्रेडिएंट ज़्यादा नहीं है, हर रोज़ यूज़ किए जाने वाले मिर्ची मसालों से ही इसको बनाया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द रेसिपी। मटन हमने लिया है 500 ग्राम्स, कुटी हुई काली मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, हल्दी है 1/2 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून, पिसी हुई हरी मिर्च है 1 टेबल स्पून, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा ऑयल लिया है अबाउट 2 टेबल स्पून्स, और साथ ही है 2 छोटे प्याज स्लाइस किए हुए। अब पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसको हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। उसमें पहले हम अपना मटन ऐड करेंगे, उसमें हम अपनी प्याज ऐड करेंगे, ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। उसमें फिर हमने अपनी कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है, साथ ही थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। फिर हम इसमें अपना नमक ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें ऑयल भी ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अब हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसको मिक्स करते करते हम इसको 5 से 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। मटन ने अपना थोड़ा सा पानी रिलीज़ किया होगा, उस पानी को हमने थोड़ा सा सूखने देना है। साथ ही जो अदरक लहसुन का पेस्ट था उसका कच्चापन थोड़ा सा कम हो जाएगा और मटन को अच्छे से कोट हो जाएगा। चलाते चलाते बस 6 से 7 मिनट हुए हैं, हमको लग रहा है कि सारा पानी जो है वो सूख चुका है। अब हम इसमें एडिशनली ऊपर से थोड़ा सा पानी ऐड करें। हमने यहाँ पे इतना पानी लिया है कि मटन इसमें ऑलमोस्ट कवर हो जाए, ये तकरीबन 1 से 1.5 कप तक पानी है। पानी डाल के हमने इसको एक और दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम यहाँ पे प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। हमारा गोश्त नॉर्मली 5 से 6 विसल आने तक गल जाता है, तो हमने इसको उतना ही कुक किया है। आपका कुकिंग टाइम हमारे कुकिंग टाइम से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आपको अंदाज़ा होगा कि आपका गोश्त कितने टाइम में गलता है। हमने एक पीस को चेक किया, ये गल चुका था। इसमें थोड़ा सा पानी हमें लग रहा था ज़्यादा, तो हम इसको थोड़ा सा जलाएंगे, ज़्यादा नहीं जलाना, ये थोड़ा सा जूसी ही रहेगा क्योंकि ये आगे और कुक होगा। हमने इसको हाई फ्लेम पर थोड़ा सा और चलाया है, तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको हाई फ्लेम पर थोड़ा सा और भूना है। आप देख सकते हैं इसमें अभी भी काफ़ी सारे जूसेस बचते हैं, बस अब हमने इसको साइड पर कर लेना है। अब हमने यहाँ पे एक बड़ा वाला फ्राइंग पैन लिया है, हमने इसको मीडियम फ्लेम पर रखा है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हीट अप होने पर हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को हम ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गार्लिक को थोड़ी देर अच्छे से फ्राई करने के बाद हमने इसमें 4 से 5 करी लीव्स ऐड किए हैं, यानी कि करी पत्ते। साथ ही हमने इसमें अपना पका हुआ मटन ऐड कर दिया है। फ्लेम को मीडियम रख कर अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। वैसे तो इसमें सब कुछ अच्छे से गल चुका था, कुक हो चुका था, हमें इसमें बस गार्लिक का फ्लेवर इन्फ्यूज़ करना है। वैसे इसमें ग्रेवी नहीं होती, ये ड्राई ही होता है, हमने इसको जूसी रखा है। इसके थोड़े से जूसेस हम जला लेंगे, इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक और पकाएंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, हमारा लहसुनी मटन मरी मसाला रेडी है। हम इसको डिश आउट करेंगे, इसको फ्रेश कोरिएंडर लीव्स से गार्निश करेंगे। आप इसको रोटियों के साथ सर्व करें या नान या पराठों के साथ सर्व करें। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस करें। अगर आप ये डिश बनाते हैं तो इंस्टाग्राम पर एवरीडे विद सैयद्स के साथ अपनी पिक्चर ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारा वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो हमारे चैनल की बाकी सारी डिशेज़ को भी आप देखें, उसमें भी हमने सिंपल इन्ग्रीडियंट्स ही यूज़ किए हैं।
हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली रेसिपीज की इत्तला आपको मिल जाए। इसी के साथ हम साइन ऑफ करते हैं, फिर मिलेंगे दोबारा किसी और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।